वेलकम ख़वातीन हज़रात, आदाब, गुड इवनिंग। मैं हूं आपका होस्ट बिलाल वराइच और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब शाहिद दस्तगीर खान साहब। शाहिद दस्तगीर खान साहब, वेलकम टू द शो। ख़वातीन हज़रात, वेलकम टू द शो। आपकी खिदमत में हाजिर हैं आज के इस प्रोग्राम के साथ तमाम लीगल इश्यूज़, लीगल मौजूआत के साथ, लीगल राउंड अप की न्यूज़ के साथ, जिसका आपके साथ वादा था। उस वादे को पूरा करते हुए आज भी कुछ खबरें लेकर के आए हैं। इससे पहले कि प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ किया जाए और आगे बढ़ा जाए, तो मैं ये बताता चलूँ कि वो सारे लीगल इश्यूज़ जिनका ताल्लुक फैमिली लॉ से हो सकता है, जिनका ताल्लुक क्रिमिनल लॉ और क्रिमिनल मैटर्स के साथ हो सकता है, कुछ ऐसे इश्यूज़ जिनका ताल्लुक विल्स और प्रोबेट के साथ मुमकिन तौर पर हो सकता है, जिनका ताल्लुक पुलिस स्टेशन की रिप्रेजेंटेशन से हो सकता है, कॉशंस के साथ हो सकता है, वारंट्स के हवाले से हो सकता है, वो सारे इश्यूज और साथ ही साथ जो प्रॉपर्टी से और सिविल लिटिगेशन से मुतालिक मामलात हैं, वो सारे मामलात, इमिग्रेशन से मुतालिक मामलात, वो सभी मामलात इस प्रोग्राम में हमेशा डिस्कस होते हैं। ये बात मैंने तमहीद इसलिए बांधी थी कि अमूमी तौर पे एक तासुर पाया जाता है कि जो टेलीविज़न पे लीगल आवर्स के प्रोग्राम्स आया करते हैं, गालिबन वो ऐसे प्रोग्राम होते हैं जहाँ सिर्फ और सिर्फ इमिग्रेशन के इश्यूज डिस्कस होते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं। हमारे साथ हमारे मोहतरम मेहमान लीगल एक्सपर्ट शाहिद दस्तगीर खान साहब, वो सारे मौजूआत जिनका मैंने अभी तذکرہ किया, उन सब का उनका एक्सपीरियंस, उन सभी मामलात का, एरियाज ऑफ लॉ का अहाता करता है। 30 बरस से ज़्यादा तजुर्बे के हामिल शाहिद दस्तगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगा कि शाहिद साहब के इन तजुर्बात से हम भी फ़ायदा उठाएँ। अब आप अपने सवालात पूछिएगा, मैं आपके सवालात आगे पहुँचाऊँगा और वो हमें इन सवालात के जवाब देंगे। ये प्रोग्राम आप स्काई डिजिटल 851 इस्लाम चैनल उर्दू पर देख सकते हैं, मगर इसके साथ साथ अगर आप टेलीविज़न स्क्रीन्स के सामने मौजूद नहीं हैं और सिर्फ मोबाइल फ़ोन्स पर हैं, अपने हैंड हेल्ड डिवाइसेस लाइक आईपैड या टैबलेट्स पर हैं, या अपने कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स पे हैं, तो हर सूरत आप इस प्रोग्राम तक रसाई हासिल कर सकते हैं फेसबुक लाइव इस्लाम चैनल उर्दू के पेज पर जा कर के। और न सिर्फ आप प्रोग्राम देख सकते हैं, अपनी राय से हमें आगाह भी कर सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में आज का प्रोग्राम, इसका बाकायदा आगाज़ आपके लिए एक छोटे से लीगल राउंड अप के साथ। आगाज़ में जो कुछ ख़बरें हैं वो सरकारी तौर पर, वो सोर्सेज जहाँ से ये खबरें ली गई हैं, उसमें सबसे पहली खबर ऑफेंडर मैनेजमेंट की गाइडेंस है जो अपडेट हो चुकी है। इस गाइडेंस का ताल्लुक और इसके असरात किस किन चीज़ों पर पड़ेंगे, मैं उनका सभी तफसीली जिक्र आपके सामने रखे देता हूँ। ये वो चीज़ें हैं जो गाइडेंस ऑन इमिग्रेशन ऑफेंडर मैनेजमेंट है एंड और ऑल दोज मैटर्स विच आर रिलेटेड टू इन्फोर्समेंट। वो गाइडेंस भी अपडेट हो गई हैं जिनका ताल्लुक एडल्ट्स पे के साथ है जो डिटेंशन में मौजूद हैं, जो एडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव्स हो सकते हैं या एडल्ट्स हो सकते हैं। इसी तरह से इमिग्रेशन बेल की गाइडेंस भी अपडेट हो चुकी, डिटेंशन और टेम्प्रेरी रिलीज़ की गाइडेंस भी अपडेट हो गई है। इसके साथ साथ बताता चलूँ कि वो पॉलिसी और वो गाइडेंस जिनका जिसका ताल्लुक उन मामलात से है जहाँ पर प्रेगनेंट खवातीन जो हैं वो इमिग्रेशन की डिटेंशन में बंद होती हैं, तो उनकी ट्रीटमेंट के हवाले से, उनकी रिलीज़ के हवाले से, उनकी बेल के हवाले से भी गाइडेंस अपडेट हो गई है। फिर वो कुछ लोग जो कंप्लायंस नहीं करते और अपनी अटेंडेंस और अपनी हाज़िरी के लिए नहीं जाते इन्फोर्समेंट के ऑफिस में जबकि उन्हें जाना होता है, तो उसके हवाले से नॉन कंप्लायंस एंड एब्सकॉन्डर प्रोसेस जो है उस पर नई इंस्ट्रक्शंस, नई हिदायत, नई गाइडेंस सामने आ गई है। इसी तरह से वो लोग जो दोबारा से वापस आना चाहते हैं और उनके ऊपर बैन लग जाता है बरतानिया में दाखिले पर, उसके हवाले से री एंट्री की पॉलिसी गाइडेंस भी नई आ चुकी है। इसके साथ साथ ये बताता चलूँ कि जो और गाइडेंसेस ऐसी हैं जो जिनमें तब्दीली रुनुमा हुई है, अपडेट हुई हैं, वो हैं रिपोर्टिंग एंड ऑफेंडर मैनेजमेंट। साथ में बताता चलूँ कि दो किस्म की सेंक्शंस हैं जिनकी अपडेट्स में भी नई गाइडेंस के साथ इजाफा हुआ है, वो हैं ऑल दोज केसेस जिसमें इंटरवेंशन एंड सेंक्शंस डायरेक्ट्रेट मुलव्वस होता है, जिसे
उर्फ आम में ISD भी कहा जाता है, उसकी गाइडेंस भी अपडेट हो चुकी है। ये सारी आपको मालूमात फराहम करने का मकसद ये था कि अगर आपको इन उनवानात का पता होगा और आप डिटेल्स पढ़ना चाहें तो आप सरकारी वेबसाइट पर जा करके पढ़ सकते हैं और कन्फर्मेशन और डिटेल्स के साथ इसको समझ सकते हैं। एक और सेंक्शन जिनका ताल्लुक व्हीकल्स के साथ है और उनकी लाइसेंसिंग के साथ है, वो भी अपडेट हो गई हैं। इनका ताल्लुक इमिग्रेशन से इसलिए है कि ये सभी मामलात बुनियादी तौर पे उन लोगों से मुताल्लिक हैं जिनके पास लीव टू रिमेन है और जिनके पास लीव टू रिमेन नहीं है। तो वो कैसे मुतासर होंगे, तफसीलात के लिए सरकारी आप वेबसाइट देख सकते हैं। कुछ और एक बात आपको बताना थी और बड़ी अहम डेवलपमेंट है साउथ एशिया के हवाले से कि जो बरतानिया के इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने अभी एक रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन किया विच इज़ MOU दैट इज़ विद इंडिया, और जिसके नतीजे में जो क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड्स हैं और जो सेक्स ऑफेंडर्स के रजिस्टर्स पे लोग आ जाते हैं उसके हवाले से और फिर उनकी फिंगरप्रिंट्स और जितनी इंटेलिजेंस अवेलेबल होगी उन लोगों पर, ये दोनों कंट्रीज़ ऐसे लोगों का डेटा आपस में शेयर किया करेंगे और इनका यकीनन जो असर होने वाला है वो फ्यूचर की एप्लीकेशंस पे और फ्यूचर की जो लीव की एक्सटेंशंस है उनके ऊपर रुनुमा होगा। एक अहम ख़बर वो ये कि बैंक्स और बिल्डिंग सोसाइटीज़ जो हैं उन्होंने भी कंप्लायंस स्टार्ट कर दी है इसी महीने जनवरी से बाकायदा तौर पे, और वो बैंक्स एंड बिल्डिंग सोसाइटीज़ स्टार्ट इमिग्रेशन स्टेटस चेक्स ऑन पर्सनल करंट अकाउंट होल्डर्स, यानी जिन लोगों के पास लीव टू रिमेन नहीं है और उनके करंट अकाउंट्स भी अभी तक ऑपरेट कर रहे हैं बरतानिया के अंदर मुख्तलिफ बैंक्स में बिल्डिंग सोसाइटीज़ में, उन पे इसका डायरेक्ट असर होगा। एक ख़बर ये कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक नया ऑफिस और वो ऑफिस है फॉर प्रोडक्ट सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स। इसका ताल्लुक कंज्यूमर राइट्स के साथ है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज के साथ है, ताकि कंज्यूमर्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन दी जा सके, क्योंकि बहुत सारी कंज्यूमर्स की शिकायत मौसूल होती हैं कि जो वो समझ रहे होते हैं प्रोडक्ट ख़रीदते वक्त क्वालिटी और केयर के हवाले से, वारंटीज़ के हवाले से, उन सभी चीज़ों को इसमें प्रोटेक्ट किया गया है कंज्यूमर्स की प्रोटेक्शन के लिए। एक छोटी सी खबर ये कि सारा खान साहिबा जो हैं वो लीड कमीशन फॉर काउंटर एक्सट्रीमिज़म जो है उनकी हेड बना दी गई हैं, एंड शी इज़ गोइंग टू लुक डायरेक्टली ऑन ऑल दोज थिंग्स विद इन द कम्युनिटीज़, जिसमें एथनिक माइनॉरिटीज़ की कम्युनिटीज़ भी शामिल हैं, साउथ एशियन कम्युनिटीज़ भी शामिल हैं, बाकी कम्युनिटीज़ भी शामिल हैं, कि उसमें एक्सट्रीमिज़म की वजूहात क्या हैं वो देखेंगी। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो वॉट एग्जैक्टली इज़ द गवर्नमेंट पॉलिसी अबाउट एक्सट्रीमिज़म, एंड दैट इज़ बिकॉज दैट इज़ रिलेटेड विद द क्रिमिनल लॉ एज़ वेल, बिकॉज जो जो लोग इस हवाले से मुलव्वस होते हैं, चार्ज होते हैं, तो उनका तरीका कार क्या हो सकता है, वो मुल्क में वापस कैसे आ सकते हैं, या उनकी डिटेंशन के हवाले से क्या चीज़ें हो सकती हैं। मुझे बताया गया है कि एक कॉलर मेरे साथ लाइन पे हैं, लेकिन मैं जल्दी जल्दी बड़ी मुख्तसर अंदाज से दो छोटी छोटी खबरें और शेयर करता चलूँ। वो ये कि ये वो खबर मैं अब बताने जा रहा हूँ जिसका ताल्लुक चिल्ड्रन वेलफेयर और चिल्ड्रन लॉ से है और लोकल काउंसिल के साथ है, और ये खबर है कि 29 मिलियन एक्स्ट्रा बूस्ट दिया गया है काउंसिल्स की लोकल सपोर्ट के लिए उन बच्चों के लिए बिलखसूस जिन जो वल्नरेबल चिल्ड्रन हैं। एम्प्लॉयमेंट लॉ के हवाले से बात करते हुए आपको बताता चलूं कि न्यू आइडेंटिटी चेकिंग की गाइडलाइंस आ गई हैं और वो इंट्रोड्यूस करवा दी गई हैं, और इन्हांस डिस्क्लोजर चेक्स जो हैं वो भी अब इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। क्रिमिनल लॉ के हवाले से एक छोटी सी अपडेट देता चलूं कि लोगों की आसानी के लिए, कंज्यूमर्स की आसानी के लिए, कस्टमर्स की आसानी के लिए, अपने शहरियों की आसानी के लिए हुकूमत ने जो है वो DBS का जो बेसिक सर्विस है उसको ऑन लाइव, इस सर्विस को लाइव कर दिया है, और कोई भी शख्स जो है वो अगर पर्सनली सिर्फ जानना चाहता है, इसका ताल्लुक एम्प्लॉयमेंट के हवाले से सिर्फ नहीं, अगर पर्सनली भी जानना चाहता है कि उसके ऊपर प्रीवियस उसके रिकॉर्ड के हवाले से कोई दाग धब्बा ऐसा तो नहीं है जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है, पुलिस के रिकॉर्ड में है, क्रिमिनल रिकॉर्ड के रजिस्टर में है, तो वो ऑनलाइन जा करके इस बेसिक सहूलत से फ़ायदा उठा सकता है। उसको बहुत ज़्यादा पेपर वर्क नहीं करना होगा, सिर्फ एक ऑनलाइन की एप्लीकेशन जमा करवाना होगी। ये थी हमारी आज की कुछ लीगल राउंड अप की खबरें जो हमने आपसे शेयर की।
کوشش کریں گے کہ اگلے ویک آپ کے لیے کچھ نئی خبریں لے کر کے آئیں وہ تمام موضوعات کے لیے جو لیگل ایشوز ہیں جو ہم شروع میں بھی ڈسکس کرتے ہیں جن کا تعلق امپلائمنٹ سے ہو سکتا ہے امیگریشن سے ہو سکتا ہے کرمنل لاء سے ہو سکتا ہے ویلز اینڈ پروبیٹ کے ساتھ ہو سکتا ہے پراپرٹی اور سول لٹیگیشن کے معاملات کے ساتھ ہو سکتا ہے پولیس اسٹیشن کی ریپریزنٹیشن کے ذریعے سے ہو سکتا ہے ان سبھی موضوعات کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو ضرور فون اٹھائیے گا کال ملائیے گا اور کیجیے گا ہمارے لیگل ایکسپرٹ سے بات اور ان سے لیجیے گا مشورہ اور میں ہوں گا آپ کے ساتھ آپ کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے جی مجھے بتایا گیا کالر ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں جی ویلکم ٹو دا شو کون کہاں سے جی جی السلام علیکم میں ہوں سلیم صادق آکسفورڈ سے بات کر رہا ہوں جی سلیم صاحب فرمائیے گا فرسٹ آف آل آپ دونوں کو بہت بہت شکریہ آپ کا آپ بہت اچھی اچھی باتیں بتا رہے ہیں جی موسٹ ویلکم ریلی اپریشیٹ میرے دو سوال تھے جی جی پہلا سوال یہ ہے کہ میں بینک میں جاب کرتا ہوں جی تو میری سیلری اراؤنڈ ابھی میں نے ریسنٹلی جوائن کیا ہے وہ 17,000 ہے اچھا جی جی اور میں پیچھے پچھلے دنوں ٹیکسی بھی کرتا ہوں مطلب پارٹ ٹائم بھی کرتا ہوں تو مجھے یہ پوچھنا تھا میرا ایکسٹینشن آ رہی ہے 2019 میں کس چیز کی ایکسٹینشن ہے جی جی پارٹنر سپاؤس ویزے کی جی جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا یہ کس طرح مطلب کس وے میں اگر میں دونوں جابیں شو کر کے کس طرح کتنے پاؤنڈ حالانکہ میں دونوں جابوں سے انکم میری 2,000 ہو جاتی ہے تو یہ ایکسیپٹیبل ہے آپ کی کتنی انکم ہو جاتی ہے اباؤٹ 22,000 پاؤنڈ یہ آپ کی انکم ہو جاتی ہے جی جی میری وائف جاب نہیں کرتی ہیں اس شی برٹش نیشنل شی از اے برٹش نیشنل تو آپ تو بنیادی طور پہ ان کے ڈیپینڈنٹ ہیں نا جی جی لیکن یہ ہے کہ میری بھی انکم اینی ون آف اس وہ پہلے بھی جو میں نے فرسٹ اپلائی جب کیا تھا اس وقت بھی میری جاب تھی اچھا جی جی بیس پہ ہوا تھا جی بہت شکریہ تھینک یو ویری مچ انڈیڈ میں بات سمجھ گیا جی ایک کالر اور ہیں ہمارے ساتھ بلکہ دو کالرس ہو گئے ہیں جی ویلکم ٹو دا شو کون کہاں سے جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام I just like to ask a question about the if you've been a criminal offender if they're wrongly accused by the police and then would you just speak a little bit louder if I've been wrongly accused by the police and then taken in and then the probation okay. for 6 months All right. What is my right now? Because they're looking into the case, but they're not answering. And the government said that, you know, you could look again to the cases and they're not giving a reply back. Right. Ek second, yahin pe rukiye ga. Just take a pause. Take a little break because Shahid, Mr. Shahid, the legal expert, is going to ask you a question. Hello. Hello. How old are you? I'm 47. Sorry? 47 years. So why were you placed look you don't have to answer this in fact I would suggest you don't discuss your very personal and private matters over the phone you don't have to but if you want to it's up to you what kind of offense were you placed on probation for they just I was getting arrested for regular from the police with panic attacks with mental illness okay I got it okay the best thing would be for you to leave your number and also take our number as well your name and number of course and then give us a ring later or during the break when we have a, we go for a break in a few minutes time or indeed tomorrow okay Thank you. That's fine. Thank you very much indeed. And we have got another caller online with us. Ji, welcome to the show. Kaun kahan se ji? Assalamu alaikum. Main Badri Gaon se bol rahe. Ji, boliye ga thoda sa unchi baat kijiye ga aur television ki awaaz band karke baat kijiye ga. Bas bas TV ki awaaz band. Ji, thoda sa kindly thoda sa unchi boliye ga. Kya naam hai uska? I'm sorry, I can't really hear. تو اسٹوڈیوز والے جو ہیں ابھی آپ سے بات کریں گے اور آپ کو شاید دوبارہ سے کال ملانی پڑے جی ہمارے پاس کالر تھے آکسفورڈ سے کال آئی جی وہ سلیم صاحب کی جی جی وہ جوائنٹ انکم بھی ہو سکتی ہے جی یا ادھر اسپاؤس کی ہو سکتی ہے یا ادھر اسپاؤس کی تو اگر ان کے بچے نہیں ہیں کیونکہ نمبر آف چلڈرن پہ انکم کا جو تھریش ہولڈ ہے وہ بڑھتا جاتا ہے جی سو آن دی اسمپشن دیر آر نو چلڈرن اراؤنڈ 22,000 چائلڈ he's fine
He's fine. Yes. Ji, Salim sahab, aapko... Providing he complies with all the other requirements. Right. Provided that you really comply, strictly comply with all of the other requirements regarding FLRM, to aisi surat-e-haal mein you are fine. Agar wo maalumat durust hain jo aapne hamein di hain, uske hawale se sirf hum arz kar sakte hain, only to that an extent. Ji. Ek mauzu. Ji, ji. Jo hamesha tashna reh jata. Ji, ji. वो religious marriages का ओह बहुत ज़रूरी है और legally जो यहाँ पे marriages register होती हैं उनका है दोनों के फर्क जो है उसके हवाले से बता दीजिएगा कि rights पे क्या फर्क पड़ता है जो जो religious marriages हैं वो उसी तरह से हैं जैसे कि English law में unmarried couples होते हैं so basically एक शख्स ने so basically एक शख्स ने मज़हबी शादी की अपने किसी भी मज़हब से मुताल्लिका शादी जी जी تو وہ کسی بھی مذہبی مقام پہ جا کے کی جی تو آپ یہ بتا رہے ہیں برطانیہ کے اندر برطانیہ کے اندر رہتے ہوئے تو کسی بھی مذہبی مقام پہ جا کے وہ شادی کرنے کے بعد آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو لیگل رائٹس کے حوالے سے یا لیگل سٹیٹس کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ اس کی قانون کے نظر میں ایسی ہی پوزیشن ہے جیسے کہ انمیریڈ کی جیسے انمیریڈ کپلز یہاں رہتے ہیں اکٹھے وہ والی پوزیشن وہ پوزیشن ہے اس قانون میں تبدیلی کی بات چیت چل رہی ہے مذہبی حوالے سے نہیں بلکہ یہاں کیونکہ ٹرینڈ ہمیشہ قوانین جو بنائے جاتے ہیں وہ میجورٹی کے ویلفیئر اور ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں جی بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ مائنورٹی کے تحفظ کے لیے بنائے جائیں مثلا ریس ریلیشنز ایکٹ ایکول اپورچونیٹیز ایکٹ میں مائنورٹیز ہاں کیونکہ اس میں اور جو فیمیل امپلائیز ہیں ان کو پروٹیکشن دی جاتی ہے جی اس طرح کے قوانین تو ہیں لیکن جنرلی قانون جو ہے میں جو بنائے جاتے ہیں وہ میجورٹی کے ویلفیئر اور پروٹیکشن کے لیے ہوتے ہیں یہ غلط تاثر دیا جاتا ہے لوگوں کو کہ اور یہ ہو رہا ہے مختلف مذاہب کے جو لوگ ہیں پریسٹس ہوں یا جو بھی ہوں پنڈت وغیرہ یا مولوی حضرات یا مولانا حضرات یا امام وغیرہ with due respect to them کچھ اگنورنس ہے ان کو قانون کی یہاں کی اور ان کی اتنی پارٹیسپیشن نہیں ہے وائڈر کمیونٹی لائف میں جیسے کہ جو کرسچن کیونکہ کرسچن اوریجنلی یہ ملک بھی ہوتا تھا اس کی وجہ یہ بھی ہے لیکن وہ پڑھتے بھی ہیں معلومات بھی رکھتے ہیں اپنے آپ کو اپ ڈیٹ بھی رکھتے ہیں یہ بڑی اہم بات ہے یہ بہت اہم بات ہے تو وہ کبھی ایسی بات نہیں کریں گے جو قانون کے دائرے سے باہر ہو یا ان کو نہیں معلوم ہے وہ کہہ دیتے ہیں I don't know the law. This is the religious position. I'm not the person for this. I'm not the person for this. You should seek independent legal advice. Legal advice. So, law جو ہے اور یہ کہنا بہت ضروری ہے جو لوگ religious یعنی مذہب کو اور law کو جیسے خلط ملط کیا ہے تو اس سے یہ اثر رونما ہوا ہے کہ برطانیہ میں ہونے والی بہت ساری ایسی شادیاں جو مذہبی بنیادوں پر ہو گئیں اور صرف مذہبی طور پر رجسٹر ہو گئیں تو ان کی قانون میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اور اس کی وجہ سے پھر کافی نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ ان کے رائٹس ہی نہیں رہتے پروپرٹی رائٹس، مینٹیننس رائٹس، امیگریشن رائٹس سبھی متاثر ہوتے ہیں سبھی متاثر ہوتے ہیں بالکل کوئی یہاں آئے فار ایگزامپل پاکستان یا انڈیا یا کسی اور ملک میں جا کے شادی کی اور وہاں سے یہاں ایز اے وزیٹر بلایا شادی وہاں کر لی اس کے بعد چار پانچ مہینے کے بعد کا تھینک یو ویری مچ آپ واپس جائیں ان کو اسٹیٹس ہی نہیں ہے وہ کہیں گے میں میرڈ ہوں یہ وہ کوئی بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ کے اس کے بڑے دور رس وہاں جا کے نکاح کیا اثرات ہیں شادی نہیں جی دور رس اثرات ہیں اور سبھی منفی ہیں جی بہت شکریہ تھینک یو ویری مچ کالر ہے میرے ساتھ لائن پہ جی السلام علیکم کون کہاں سے جی میں سلیم بات کر رہا ہوں لندن سے جی جی میرا سوال تھا میرا 2013 میں میری شادی کی تھی جی جی تو میرا اپلائی کیا تھا تو انہوں نے 2013 کی جگہ کوئی کورٹ میں جا کر 2015 میں جا کر انہوں نے ویزا دیا ہے مجھے اچھا جی تھرو اپلیٹ پروسیس جی جی اور یہ کیا نام ہے کورٹ کے پروسیس ہے تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ میرے شادی کو تو 5 سال ہو رہے ہیں 2018 میں لیکن ویزا ہم مجھے 2015 میں ملا ہے تو کیا میں انڈیفینٹ اپلائی کر سکتا ہوں یا مجھے آپ نے یہ انٹری کلیئرنس کی اپلیکیشن تھی جو 2015 میں اپلیٹ پروسیس کے بعد جا کے مکمل ہوئی نہیں میں اسٹوڈنٹ تھا 2013 میں جب میں نے اپلائی کیا صحیح
तो फिर 15 में जाकर मुझे वीजा मिला क्योंकि वो उसमें दो साल उनको कोई प्रॉब्लम थी इनकम को लेके, तो फिर वो कोर्ट में जाकर उन्होंने उनकी गलती निकली। वो होम आपको बर्तानिया में रहते हुए कितने साल हो गए? हमें मुझे 2010 में आया था तो मुझे 8 साल से ऊपर हो गया, 8.5 साल हो गया जी। बेहतर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच इंडीड। फरमाइएगा। इमिग्रेशन स्टेटस के डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ेंगे जी। उसकी वजह है कि अब ये बता रहे हैं कि स्टूडेंट से कन्वर्ट हुआ वगैरह, लेकिन अगर स्पाउस लीव 5 ईयर रूट वाली है जी, तो वो 5 ईयर इनको कंप्लीट करने हैं। वो उस दिन से शुरू होते हैं जब से लीव मिली, जिस दिन से वो लीव इनको मिली जी, वो आपके पीरियड ऑफ आपकी शादी कब हुई थी उससे उसका कोई ताल्लुक, उससे कोई ताल्लुक नहीं है, या आप कितने अरसे इस मुल्क में हैं उससे भी कोई ताल्लुक नहीं है, या किस दिन आपने एप्लीकेशन जमा करवाई थी उससे भी कोई ताल्लुक नहीं। क्योंकि उसकी वजह बड़ी आप भी जानते हैं, हम दोनों ही जैसा कि आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि वेरिएशन की इन्होंने अपनी लीव में, तो जिस कैटेगरी में अब आए उस कैटेगरी के जो रूल्स हैं वो अप्लाई होंगे, वो मुद्दत पूरी करना होगी विच इज 5 ईयर्स जी। और उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि इन सिचुएशंस में ये पीरियड कम हो सकता है, ये कुछ नहीं लिखा हुआ, तो 2.5 साल के 2 स्लॉट। अच्छा, मैं इसमें एक बात कहते चलूँ, बहुत सारे हमारे नाजरीन जो हैं उनका भला हो जाएगा कि वो परेशान ना हुआ करें ऐसे गुंजलिक मामलात के ऊपर। उसकी वजह ये है कि मैं पढ़ रहा था कि अभी रिसेंटली जजेस ने भी क्रिटिसाइज किया है इस कॉम्प्लेक्स इमिग्रेशन सिस्टम को। जी जी, आप मुझे बता रहे थे, बात कर रहे थे अपडेट्स जब आप चेक कर रहे थे। एग्जैक्टली, तो उसमें बिल्कुल अगर आप हंसार देखें हाउस ऑफ पार्लियामेंट में से मैसेज जो डिबेट्स हैं हाउस ऑफ कॉमन्स की, जी हां, तो बड़ी दिलचस्प बात यह है कि फर्स्ट एंड सेकंड रिवीजन में कुछ चीज़ों में जिनका मैं स्पेसिफिकली जिक्र नहीं करूंगा, सिर्फ ये कहूंगा कि वो इमिग्रेशन से मुतालिक थी कुछ एप्लीकेशन से, तो वहाँ पर भी उन्होंने कहा कि जो बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं और अपने अपने शोबे में बड़ा उनका मकाम है, वो भी बाज एप्लीकेशंस की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को और चैलेंजेस को मीट नहीं कर पाते, ऐसा जानबूझ के बना दिया गया। तो अभी कोर्ट्स ने भी क्रिटिसाइज किया है जी जी, तो दिस इज समथिंग वेरी पॉजिटिव, तो इसलिए परेशान ना हुआ करें, देयर इज ऑलवेज सॉल्यूशन टू दीज प्रॉब्लम्स, ऑल यू हैव टू डू इज यू रियली जस्ट नीड टू हैव इंडिपेंडेंट लीगल एडवाइस, यू नीड टू स्पीक टू और यू नीड टू सीक हेल्प फ्रॉम क्वालिफाइड सॉलिसिटर्स, और उनके साथ फेस टू फेस बैठ के केस को डिस्कस किया करें, क्योंकि कभी भी टेलीफोन के ऊपर लीगल एडवाइस नहीं दी जाती। लीगल एडवाइस के लिए आपकी पूरी फाइल आपके कवायफ का आपके साथ होना ज़रूरी है, ताकि जिस लॉयर के पास आप गए हैं, जिसका आपने टाइम लिया है, अपॉइंटमेंट ली है, वो आपकी हिस्ट्री को देख सके, आपकी फाइल को देख सके, आपके पर्टिकुलर्स को देख सके, जो आप बता रहे हैं उसके मुताबिक वो आपके नोट्स ले सके केस से मुतालिक, और वो उस पर अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट कर सके और आपको एक प्रॉपर प्रोफेशनल लीगल एडवाइस के ज़रिए से हेल्प कर सके। ख़वातीन हज़रात, ये है हमारा आज का शो, हम इसको जारी रखेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद, मगर वक्फे पे जाने से पहले कहता चलूँ आपको, दोहराता चलूँ ये बात कि ये प्रोग्राम आपका है और आप काइंडली इसमें शरीक हुआ करें अपने कमेंट्स के ज़रिए से, रिव्यूज़ के ज़रिए से और फीडबैक के ज़रिए से। स्टे ट्यून्ड, जाइएगा नहीं, मुलाकात होती है एक ब्रेक के बाद। ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक टू शो, आपका अपना शो लीगल एडवाइस शो इस्लाम चैनल उर्दू से आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होते हैं। मैं हूं आपका होस्ट बिलाल वड़ाइच और मेरे साथ लीगल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शाहिद दस्तगीर खान साहब। शाहिद साहब जो हैं वो 30 बरस का तजुर्बा रखते हैं, बहुत सारे लीगल एरियाज़ के अंदर उनकी एक्सपर्टीज़ है, जिसमें इमिग्रेशन है, ह्यूमन राइट्स है, क्रिमिनल लॉ है, उसके डिफेंस के हवाले से, पुलिस स्टेशन की रिप्रेजेंटेशन के हवाले से, विल्स हैं, फिर इस तरह से प्रोबेट के मामलात हैं, फैमिली लॉ के इश्यूज़ हैं, चाहे वो चीज़ें ऐसी हों जिनका लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट्स के साथ मामला हो, यानी बहुत सारे ऐसे जो लीगल चीज़ें जो अमूमन आप टेलीविज़न पर नहीं देखते और नहीं सुनते, वो सारे इश्यूज़ जो हैं हम इस प्रोग्राम में कोशिश करते हैं कि उनका अहाता कर सकें। तो लिहाजा ये मैं बार बार इसलिए दोहराने की कोशिश कर रहा था, प्रोग्राम के पहले हिस्से में भी बात हुई, इस हिस्से में भी, इसका बुनियादी मकसद अवेयरनेस है, आपको एम्पावर करना है ताकि आप इन्फॉर्म्ड ओपिनियंस अपनी बिल्ड कर पाएँ, कम्युनिटी बिल्डिंग है इसका मकसद बुनियादी तौर पर इस सारे प्रोग्राम का। अगर आप यहाँ पर शिरकत
करते हैं इस प्रोग्राम में, चाहे वो आप टेलीफोन लाइन के ज़रिए से करते हैं, ईमेल के ज़रिए से करते हैं, या अपने कमेंट्स छोड़ते हैं आप सोशल मीडिया पे, वो सारे हमारे लिए बड़े हेल्पफुल साबित होते हैं। हमें मुसलसल आपसे फीडबैक मिला करती है, उसी की रोशनी में, उसी के नतीजे में हम चाहते हैं कि प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बनाया जाए, निखार के आपके सामने पेश किया जाए। तो मैं आपसे ये तवक्को करूँगा कि तमाम एरियाज़ ऑफ लॉ पे जो है वो आप हमसे बात कीजिए, सिर्फ इमिग्रेशन ही नहीं। हाँ, इमिग्रेशन जो है वो बहुत ही अहम एरिया ऑफ लॉ है, एंड वी लव टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस, बट प्लीज़ आप झिझके मत, शर्माइएगा मत, डोंट शाई अवे योरसेल्फ। आप सवाल ज़रूर पूछिएगा, चाहे वो किसी भी एरिया ऑफ लॉ से मुतालिक हो। मेरे साथ कॉलर हैं लाइन पे। जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहां से? मैं जिदा यूरोपियन डिपेंडेंट आ ना, जिदा अच्छा जी, मेरी पार्टनर नु 5 साल हो गए आ, ते उनु जिदा पिछले साल मिल गया ही परमानेंट रेजिडेंट, मेनू जिदा हुन 5 साल होए आ, मैं अप्लाई कर सकदा परमानेंटली जां की हिसाब किताब हुंदा जिदा? लो जी, एक गल दस्सो, लो जी एक गल दस्सिया जे, यूरोपियन यूनियन, हां जी, यूरोपियन यूनियन दा सिटीजन कौन हैगा थोड़े चो? मेरी मेरा पार्टनर ना मेरे नाल दी। अच्छा, ओ यूरोपियन यूनियन दी हैगी है? हां जी। ਇੱਥੇ 5 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋ ਗਏ ਆ? ਹਾਂਜੀ, 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ, 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 6 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਉਹ। ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਪਲਾਈ ਜਰਾ ਮੋਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ 5 ਸਾਲ? ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਾਰਡ ਨਾ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਇੱਕ ਔਰ ਕਾਲਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਲਾਈਨ ਪੇ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਜੀ। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कौन कहां से जी? मैं लंदन से बात कर रही हूं। मेरा क्वेश्चन ये है कि ना, हमने इंडेफिनेटली अप्लाई किया है जी, बेहतर रिफ्यूजी स्टेटस के बाद, रिफ्यूजी स्टेटस के बाद परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई किया है? नहीं नहीं, अभी हमने ILR के लिए जी, इंडेफिनेट लीव टू रिमेन जी। जी बेहतर, और उसको बायोमेट्रिक्स भी हो गए हैं, तो मुझे ये क्वेश्चन कि उसमें कितना देर लग सकती है और कितना वक्त गुजर गया, दोबारा बोलिएगा। तकरीबन 10-15 दिन हो गए हैं और हमारे बायोमेट्रिक्स भी हो गए हैं इसी बीच में। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। सिर्फ 15 दिन हुए? हाँ। और इंडेफिनेट लीव टू रिमेन की एप्लीकेशन दी थी, और इंटरेस्टिंग बात ये कि 15 ही दिन में बायोमेट्रिक्स भी हो गए। जी हाँ, तो इसका मतलब है इट्स गुड प्रोग्रेस, एंड दे वांट टू नो कि तकरीबन नॉर्मली कितना वक्त लगता है। नहीं, बायोमेट्रिक्स हो गए हैं तो अब उसके बाद आउटस्टैंडिंग अगर कोई इंक्वायरीज हैं जो उन्होंने पेपर सबमिट किए हैं उसके हिसाब से, और अगर कोई चेंज ऑफ सरकमस्टेंसेस मटीरियल अगर हुआ है, तब तो जाहिर है वो और सवाल रेज करेंगे जी। अगर वो सेटिस्फाइड हैं जी, तो इट शुड बी ऑल राइट, और जाहिर है बिफोर गिविंग इनडेफिनेट लीव टू रिमेन, इट इज इनकम्बेंट अपॉन द केस वर्कर जी टू चेक थॉरली एवरीथिंग इंक्लूडिंग कैरेक्टर। सही, तो जाहिर है उसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। और स्टैंडर्ड टाइम जो है होम ऑफिस की तरफ से वो 6 महीने है, 6 महीने का तो उन्होंने टाइम दिया हुआ है होम ऑफिस, वो स्टैंडर्ड टाइम जी हाँ। और बाज केसेस में जो है वो 3 मंथ्स भी लगते हैं जी हाँ, 4 मंथ्स भी लग जाते हैं, बाज़ूका 2 मंथ्स में भी हो जाता है। बिल्कुल, मैंने आपको शायद इल्म होगा, एक मेरे क्लाइंट थे, उनका उन्होंने 1.5 घंटे में पर्सनल सर्विस पे गए थे मेरे क्लाइंट जी, वहाँ पे सेम डे सर्विस जी, सेम डे सर्विस पे 1.5 घंटे में उनको ILR इंडेफिनेट लीव दे दी जी, क्योंकि एवरीथिंग वाज परफेक्ट, दैट्स फाइन, तो उनको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो जो जो पोस्टल एप्लीकेशंस हैं उसके हवाले से DBS वो साथ ही लेके गए थे खुद ही सारी चीज, डिस्क्लोजर DBS का जी जी, वो चेंज हो रहा है। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि ये है प्रीमियम सर्विस जो सेम डे की, जो पोस्टल एप्लीकेशन देखिए प्रीमियम सर्विस में भी इतना कम टाइम नहीं लिया जाता, नॉर्मली नहीं लिया जाता, इट डिपेंड्स कि कितना अच्छा केस तैयार किया गया है और कितना अच्छा अंदाज से प्रेजेंट किया गया है, ये मैटर करता है। हाँ, तो ये मुनासिब नहीं होगा कि एक कॉल इन पे हम कोई मशवरा दे सकें जी। बिल्कुल, अगर मैंने पेपर्स देखे होते और हिस्ट्री मुझे इमिग्रेशन मालूम होती पढ़ के जी, जबानी नहीं जी, तो बेहतर बताया जा सकता था, लेकिन ये लुक्स लाइक इट इज़ मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, और चंद एक महीने
लग सकते हैं इसमें, लेकिन कम भी हो सकता है। बिल्कुल सही जी। होम ऑफिस का जो स्टैंडर्ड इसमें जो सर्विस देने का जो टाइम है वो 6 महीने है, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ कॉम्प्लेक्स नहीं है और कोई आउटस्टैंडिंग मामला सामने नहीं आता तो मुमकिन होता है कि ऐसे केसेस जल्दी भी डिसाइड हो जाएं। तो इस हवाले से आप खातिर जमा रखिए, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अभी तो 15 दिन गुजरे हैं, वक्त थोड़ा और भी दीजिएगा। एक हमारे साथ कॉलर थे, उन्होंने पंजाबी में बड़ी खूबसूरत बड़े मीठे अंदाज से उन्होंने सवाल किया था, एंड आई थॉरली एंजॉयड दैट। यस, सो इफ यू कैन आंसर प्लीज योरसेल्फ इन एक्सक्यूज मी मीठी पंजाबी। जी ठीक, थैंक यू, आई विल ट्राई। जी थोड़ा फोन सी के तुसीं डिपेंडेंट हो, फैमिली मेंबर हो यूरोपियन यूनियन दे सिटीजन दे, ते जिन्हां नूं पीआर भी मिल गया पिछले साल दा, ते थोनू जो जदों इत्थे 5 साल हो जाणगे यूके दे विच रहिंदिआं, उसे स्टेटस दे विच रहिंदिआं रेजिडेंस कार्ड दे नाल, ते तुसीं फिर क्वालीफाई कर लवोगे अपनी परमानेंट रेजिडेंस वास्ते, फिर थोड़ी भी एप्लीकेशन हो सकती है। ते अगर कोई ऐसी चीज़ आ जिहड़ी तुसीं डिस्कस नहीं कीती साडे नाल कॉल दे विच, ते डिस्कस करना चाहुंदे आ, ते थोनू फिर एक अपॉइंटमेंट बनानी पएगी, ते थोनू फिर दफ्तर आकर गलबात करनी पएगी। लेकिन जदों भी किसी नाल सोलिसिटर नाल तुसीं गलबात करोगे ते अपनी पूरी फाइल नाल लै के आओगे ताकि उन्हों सारी थोड़ी हिस्ट्री का पता होए, सारे कागज़ पत्र वेख लैन, तो उस पिछे वो थोड़ा बाद जोड़ा है उनके ते एडवाइस कर देंगे। आई होप कि इट सर्व्स द पर्पस, राइट, थैंक यू वेरी मच। मुझे बताया गया एक कॉलर और है हमारे साथ लाइन पे। जी कौन कहाँ से? जी वेलकम टू द शो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं पूछना चाह रही थी, आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं लंदन से। जी फरमाइएगा। बात करना चाह रही थी, पूछना चाह रही थी कि अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी किराए में देता है जी, तो उसकी क्या लिमिट है जो इनकम आती है उसे टैक्स वगैरह देने का? टैक्स के हवाले से जी, जी मैं ये सवाल जो है शाहिद साहब के सामने रखता हूँ, बिकॉज आई डोंट डील विद दिस एरिया ऑफ लॉ, एंड दैट्स माय ऑनेस्टी, आई कैन ऑल जस्ट से दैट। जी टैक्स एबिलिटी की बात हो रही है रेंटल इनकम से। जो रेंटल इनकम जितनी भी हो आपकी, टैक्स अलाउंसेज हैं जो कि पर्सनल अलाउंसेज आपको उतनी छूट होती है, उसके अलावा जो आपके आप जो खर्चा करते हैं जस्टिफाइबल प्रॉपर्टी पे, रिपेयर्स वगैरह पे, वो लीगल कॉस्ट्स, ये वो आप डिडक्ट कर सकते हैं। ये अकाउंटेंसी का क्वेश्चन है, हालांकि मैं अकाउंटेंसी भी जानते हैं जानता हूँ और कुछ थोड़ा बहुत टैक्सेशन का भी तो जी हाँ, तो मैं इसीलिए मैं उनको ये मशवरा दूंगा कि एक सोलिसिटर से मशवरा, सॉरी अकाउंटेंट से मशवरा करें, सवाल वो आप उनके बेस्ट पॉसिबल टैक्स एफिशिएंट मशवरा देना चाहिए उन्हें। बिल्कुल सही, वो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, थैंक यू वेरी मच इंडीड। थोड़ा सा इंडिकेशन दे दिया जी, बिल्कुल सही, वेरी गुड, थैंक यू सो मच इंडीड। एक कॉलर और है लाइन पे। जी कौन कहां से? अस्सलाम वालेकुम, मैं बोल रही हूँ बर्मिंघम से। जी वालेकुम सलाम। आई जस्ट वांट टू नो ब्रदर अबाउट इंग्लिश डिवोर्स। इंग्लिश डिवोर्स, फॉर एग्जांपल माय मैरिज 25 इयर्स, आई हैव बीन मैरिड टू अ प्रोफेशनल डॉक्टर, फोर चिल्ड्रन, 3 आर डिपेंडेंट एंड 1 इज अंडर एज, ओके, एंड आई हैव 4 हाउसेस, 1 इज फ्री एंड 2 आर ऑन मॉर्गेज। You have got 4 independent what houses? I have 3 dependent children and 1 younger children who's only 14 years old. Okay. And he's thinking to divorce me, so he's a professional doctor. So I just want to know what's my right. 25 years I've been housewife. You've been a housewife? Yeah. Throughout this time? All this time with him. But our marriage was up and down. He wasn't very good, so he's... Just ask her how many properties. How many properties are there? I have one here, is his name, and he has mortgaged 95,000, and I have one at Island, and that has mortgaged about 80,000, and I have one freehold in Bradford House. That's fine. Thank you very much. We don't need further details over the phone at this time. Speak to her. Yeah, sure, please go ahead. It is very important in this situation जी. for her to immediately seek legal advice. Yes. Now, excuse me.
All I can say is, where there is a longish marriage, the starting point always for distribution of matrimonial property is half and half. And then adjustments can be made up and down, depending on each party's contribution, not necessarily financial contribution, but if someone... is a homemaker. She's a homemaker. She has been looking after children. Yes, and more importantly... She's been raising them. Yes, one very important factor is that if there are other properties which are not in her name, or a property which is not in her name, then steps should be taken to ensure that that property is also protected. She protects her rights in that property. And a solicitor will advise her how to do all that. She must. So what actually, for example, if we need to give her consultation. Yes. So what shall we need? We would need the details of the properties? Yes, I mean, when I sit down with her, for example, if I was to sit down if I just want to know with that someone in her position. So if she is going to come and just speak to us, what shall we need to see? She's already given some of the information which should be all documented. Yes. Basically, details of the property, a period of marriage certificate, and details children's of the children, birth certificate. What they are doing, and how old they are. There is one child, the others are over 18. That's what I gather from her. And then one can sit down and work out how best to proceed. And one other very important thing to remember is you cannot claim in property without divorce proceedings. This is called ancillary relief. So an application for ancillary relief can be made within divorce proceedings or judicial separation proceedings. Yes, but judicial separation is a very rare application. Okay. If the marriage has broken down irretrievably with no chance of a reconciliation, then you issue then this remedy is available. And then, yes, and then there are steps you can take. But and it's a very detailed process. Yes, there is. I don't need a detailed consultation. Nothing to worry about. One should try and work towards a fair resolution. And that's what the Matrimonial Causes Act and the judges aim to do. That's fantastic. Thank you very much for a very comprehensive answer. But what I gather from this one is that in such kind of case, where there are so many complexities involved, or there are so many properties and the wealth is involved as well, which might be distributed, which might come into question in the event of divorce. So all these things can only be discussed in face-to-face detailed consultation, where a solicitor would be able to look at your file, all the particulars, all the papers, and then would be able to give you professional advice, a way forward, how to proceed, when to proceed, and what exactly are you going to do step by step. Thank you very much. I have been told ki mere sath do callers aur hain line pe. Ji, kaun kahan se? Hello? Ji, welcome to the show. Hello? Ji, mujhe bataya gaya ki call drop ho gayi hai. Ji, kaun kahan se ji? Next caller? Hello, assalamualaikum. Ji, walaikum salam. मुझे ना अपने वीजा स्टेटस लाइक मेरे वीजा इश्यू के बारे में कोई सवाल करना था, मैं कर सकती हूँ? जी पूछिए. मैं यहाँ आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं लंदन से. जी जी बेहतर, गो अहेड. मैं 2006 में आई थी स्टूडेंट वीजा पे. जी बेहतर. और मेरा 8.5 साल 9 साल मैं स्टूडेंट पे रही. मेरे हस्बैंड मेरे डिपेंडेंट थे. जी बेहतर. मेरा बेटा यहीं पे 2009 में बॉर्न हुआ था. ऑलराइट. तो मतलब इस तरीके से फिर हमने ना हमारा एक्सटेंशन नहीं हुआ तो हम लोगों ने फैमिली वीजा अप्लाई किया तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया. फिर इस तरीके से हमने अपील की, सारा कुछ प्रोसेस में गया. फिर 1.5 साल पहले मेरा बेटा जब 7 साल का हो गया तो हमने उसके बेस पे वीजा अप्लाई किया, मतलब फैमिली वीजा उसके साथ इसके बेस पे हमें वीजा दे. जी. तो अभी ये मार्च में हमारा बायोमेट्रिक होके भी 1 साल होने आ गया लेकिन अभी तक वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है. आपको बायोमेट्रिक का लेटर भी नहीं आया क्या? नहीं नहीं, मेरा बायोमेट्रिक 1 साल हो गया, मार्च में हो चुका है. हो चुका है, उसके बाद 1 साल बीत गया लेकिन उसके बाद कोई खैर खबर नहीं है होम ऑफिस से. और अभी मैंने
पर दो दिन पहले मैं एक सॉलिसिटर के पास गई थी तो उन्होंने कहा कि आप जिस आपका जो सॉलिसिटर है उससे मैं केस उनके पास ट्रांसफर करवा लूं, फिर वो हमारी वेरिएशन करवाएगा, वो मेरे बेटे के बेस पे एक नया एप्लीकेशन डालेगा। वो कहता है कि मैं गारंटी 2 मंथ्स में आपको इसके बेस पे आपको वीजा दिला दूंगा, मतलब इसका स्टे मिल जाएगा। वो बताया कि आपकी 12 साल की जो इमिग्रेशन हिस्ट्री ने आपका फाइल होल्ड पे रखा हुआ है, तो आप किस तरीके से मतलब मुझे ये ले। जी आपका सवाल समझ गए, बहुत शुक्रिया, तफसीलन जवाब देंगे इसका। जी यहाँ पे एक सोलिसिटर ने ये बात कही इनसे मुबैना तौर पे, जैसे इन्होंने हमें बताया कि आप अपने सोलिसिटर से फाइल ट्रांसफ़र कर लें 2 महीने में गारंटी। व्हाट इज़ दिस गारंटी? तो पता नहीं उन्होंने कहा होगा या नहीं, लेकिन अगर कहा है तो गारंटी का वर्ड जो है वो प्रोफेशनल लैंग्वेज में इस्तेमाल नहीं होता, और क्योंकि प्रोफेशनल हमें जब भी हम पढ़ते थे तो यही बताया जाता था, और आप भी हम से मुराद ओवर हम के प्रोफेशनल पर्सन वेदर इज़ अ डॉक्टर और एन अकाउंटेंट और लॉयर expresses an opinion. That's right. Or offers a professional treatment. Which is basically that's professional all. Service. Yes. That's all. An opinion. They can give some kind of indication or assurance, but warranties and guarantees and things like that can only be given by, you know, car dealers or or double glazing. Yes, exactly. Or damp proofing and very true. Yes, electrical. बड़ी अच्छी examples दिए आपने. Yes, and they issue with a guarantee certificate. That's right. So, but this is not the nature of our service. Exactly. Our services rather. So professional services. You express an opinion. Having said that, जी. It is important for her now to actually. She has already taken advice. I'm not saying what the solicitor said, but there is no mechanism present within the Home Office which says, even in the Home Office, Jee. That we will decide your application in 2 months. Within 2 months, there is no such thing, as you know. Lawyers cannot force the Home Office, yes, to change their own policy. Yes, even the Home Office does not say that. That's right. That's as much as I can say. Well, that is professionalism. Yes. So that is professional honesty. On the merits, and it is important for her, yes, to now review her case. But there might be a possibility for a new application. Jee. But that one can ascertain Jee. Only after reading all the papers. Tamam papers jab padh lenge, to usse phir andaza lagaya ja sakta hai ki jo pehle jo baatcheet chal rahi thi wo theek hai. Jee. Isme follow up karna zaruri hai. कहीं कोई चीज़ रह तो नहीं गई है, वो भेजना तो ज़रूरी नहीं है, शायद उससे फ़र्क पड़े, या नई एप्लीकेशन दी जाए वो 7 ईयर। जी बिल्कुल सही, उसके हवाले से। जी मोहतरमा, आपको ये तफसीलन जो जवाब दिया गया इसका मकसद ये था कि आपको ये बात समझ आ जाए, ये नुक्ता आप पे वाजे हो जाए कि होम ऑफिस की कोई ऐसी रिटन पॉलिसी और गाइडेंस नहीं है जो 2 महीने की टाइम पीरियड की इंडिकेशन देती हो, ज़बानी या इन राइटिंग। एक बात, दूसरी अहम बात आप नोट कर लीजिएगा, वो ये कि जो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ हुआ करती है वो होती है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ केस। जो सोलिसिटर्स हैं उनकी यही एक्सपर्टीज़ है कि उसके अंदर जो चैलेंजिंग इश्यूज़ हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, उनको बेहतर अंदाज से रिप्रेजेंट करें। जो फॉर्चून टेलिंग है ये लॉयर्स का काम नहीं हुआ करता। तो प्लीज़, आपने बताया कि आप तालिबे इल्म रही हैं, यहाँ पे आप स्टूडेंट रहे हैं, तो आप यकीनन चूंकि ये सभी चीज़ें पढ़ते हैं रोज़, अपने आप को अपडेट रखते हैं, तो यू नीड टू रियली रियलाइज कि इसको प्रोफेशनलिज्म नहीं कहा जाता। अलबत्ता नई एप्लीकेशन का जहाँ तक ताल्लुक है मैं उस पर कमेंट नहीं कर पाऊँगा, जैसे शायद साहब ने भी कहा कि उस पर कमेंट तभी किया जा सकता कि हो सकता है कि कुछ नए ऐसे मेरिट्स हों जिसकी वजह से नई एप्लीकेशन जा सके। तो आपने लीगल एडवाइस ली है, ताहम इन सभी चीज़ों को आप भी पढ़िएगा, देखिएगा, अगर ज़रूरत पेश आए तो कहीं और से भी लीगल एडवाइस ले लीजिएगा, मगर ये टाइम फ्रेम के चक्कर में ना पड़िएगा। बहुत शुक्रिया जी। एक कॉलर और है मेरे साथ,
कौन कहाँ से जी? वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हजूर मैं स्लो लंदन की बोल रहा हूँ जी। इरशाद जी, मेरा मसला ये है कि मेरी बहू 13 मई में यहाँ पर आई थी। आपकी बहू? जी जी। मैं 2013 में यहाँ आई थी। जी जी। तो वो 30 मंथ का जो वीजा था, जब वो एक्सपायर हुआ तो उसको एक्सटेंशन मिल गई। ठीक। जो जी जी, तो उस वक्त वो एक लैंग्वेज टेस्ट जो दिया था उसने 2016 में जी, लेवल B1 ग्रेड 5 जी, बेहतर वो यूज किया हमने एक्सटेंशन के लिए, जो उन्होंने अप्रूव किया वो अभी हमारे पास है। अब उसकी 6 महीने के बाद यानी 30 मंथ ये पूरे होने के बाद फिर इनडेफिनेटली अप्लाई करना है, तो हमने पूछना है कि ये B1 ग्रेड 5 ये स्टिल यूज होगा, क्योंकि ये 2 साल से पुराना हो जाएगा, लेकिन इस पर कोई लिमिट वगैरह नहीं लिखी जो सर्टिफिकेट है हमारे पास ट्रिनिटी कॉलेज लंदन का। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत सारे लोगों को 2 साल की लिमिट है जी। अब देखिए ना, उन्होंने एक लाइन में आपको बता दिया कि दो उसके ऊपर नहीं लिखी होती सर्टिफिकेट के ऊपर कि ये कितने अरसे के लिए वैलिड है, मगर आपको शायद सब ने एक लाइन में जो है आप पे वाजे कर दिया कि इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की जो लाइफ है, जो मुद्दत है वैलिड होने की, वो 2 साल है, 2 बरस, उसके बाद वो वैलिड नहीं रहता। इसलिए इनडेफिनेट लीव टू रिमेन के टाइम इनके हवाले से इस पर्टिकुलर केस में इनको एक नए टेस्ट के लिए बैठना होगा, और वो ट्रिनिटी कॉलेज की वेबसाइट पे भी आपको मालूमात अवेलेबल हैं। अगर आप चाहें तो वहाँ पे जाके आप एक्सेस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कौन सा वो टेस्ट है जो आपको लेना है। हमारे पास 1 मिनट रह गया। अच्छा। मगर जाते जाते जी जी, हमेशा हम कोई ना कोई बात कह के जाते हैं जी जी, वो ये कि आज आपने बहुत बड़ी गलत फहमी चंद जुमलों में वाजे कर दी, दूर कर दी कि वो सारी शादियां जो बरतानिया में होती हैं, वो शादियां अगर कानूनी तौर पर नहीं होती सिर्फ मजहबी तौर पे होती हैं, तो कानून की नज़र में वो ऐसे ही हैं जैसे वो शादी कभी वक़ू पज़ीर हुई ही नहीं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच इंडीड। ख़वातीन हज़रात, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आई होप कि आपने इसको इंजॉय किया होगा। राबते में रहिएगा, आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। शब बख़ैर, खुदा हाफिज़।